कि एक बार देवर्षि नारद ब्रह्मा जी के अपने पिताजी के लोक में बैठे हुए थे और उसी समय उन्होंने देखा देवता आकर के बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, हे पिताश्री, हे ब्रह्मदेव, आप हमको मृत्यु लोक में जन्म दे दीजिए जिससे हम मनुष्य बनकर अच्छे पुण्य अर्जित कर सकें, प्रभु की भक्ति कर सकें। याद रखिए, मनुष्यों को ही केवल ये सौभाग्य प्राप्त है कि आप भगवान का भजन कर सकते हो, देवताओं को नहीं है। अब आप ये कहेंगे हम तो वो धारावाहिक जो होते हैं उनमें दिखते हैं ना, देवता प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान नारायण प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, देवी जी सबके दर्शन हो रहे हैं, हमसे बड़े भाग्यशाली तो ये देवता हैं। रात दिन भगवान का दर्शन करते हैं, जब चाहे जब पहुंच जाते हैं बैकुंठ, जब चाहे जब पहुंच जाते हैं ब्रह्मलोक, और हम तो बस बैठे बैठे यही सोचते कब मिलेंगे कब मिलेंगे, और हम पर तो असर ही नहीं होता। याद रखिए, देवता अगर स्वर्ग लोक में बैठ के राम भी जपेंगे ना, उसका फल उनको नहीं मिलने वाला। भगवान का दर्शन कर भी लेंगे तो भी मोक्ष नहीं मिलने वाला, तब भी भावों की उत्पत्ति नहीं होती उनमें, तब भी उनमें निजी स्वार्थ लगा रहता है। वो प्रभु का भजन भी करेंगे तो अपना काम बनाने के लिए करेंगे। देवता इसलिए हैं क्योंकि हम में से किन्हीं लोगों ने अच्छे पुण्य किए, उन पुण्य के प्रताप से वो उनके उनको और अत्यधिक ज्यादा ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, क्या वो दे सकते हैं, और जो देता है वो देवता। तो हमसे उच्चतर योनि में हैं देवता, लेकिन वो स्वर्ग में रहने वाले देवता मनुष्यों की होड़ नहीं कर सकते। आप देने वाले नहीं हैं, आपकी लंबी आयु नहीं है, आपके पास अनंत सुख नहीं है, लेकिन आपके पास एक चीज है जिससे देवता लोग वंचित हैं, और वो है कि आपके पास कर्म करके, अच्छे कर्म करके पुण्य अर्जित करने की, उससे आप देवताओं जैसा सुख भी उत्पन्न कर सकते हो। देने की भावना रखोगे तो देवत्व भी मिल जाता है इसी मनुष्य शरीर में। लेकिन भगवान की प्राप्ति, भगवत नाम का जो फल है, प्रभु के नाम का जो रस है, आनंद है, वह तो सिर्फ मनुष्यों को मिलता है महाराज। इसलिए देवताओं को भी मृत्यु लोक में आकर भजन करना पड़ता है। शिव महापुराण के अंतर्गत में इतने सारे देवता आए जिन्होंने ज्योतिर्लिंग की स्थापना की, जगह जगह व्यास जी महाराज ने ही कम से कम 100 के लगभग काशी जी में और आसपास भोलेनाथ के शिवलिंग की स्थापना की। चंद्रमा आ रहे हैं, सूर्य आ रहे हैं, इंद्र आ रहे हैं, अनेक अनेक विश्वकर्मा आदि, कुबेर आदि, सबने भगवान शिव को आकर के पृथ्वी पर भजन किया है। अब वो तो शिवलिंग महाराज मट्टी को छोड़ो, हीरा को बना के स्वर्ग में करते, काय को मृत्यु लोक में उतरे, उसका अर्थ है कि उनको वहां बैठकर किसी भी चीज का पुण्य प्राप्त नहीं हो सकता। वो तो सिर्फ जो उन्होंने पुण्य किया है वो भोगेंगे वहां, और जैसे ही भोग समाप्त हुए तो छिन्ने पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, मृत्यु लोक में फेंक दिया जाएगा। चलो कोई काम नहीं, जैसे पैसा खर्च हो जाए, अब आप वृंदावन में आए हो, वृंदावन में तो ऐसी आदत नहीं, किसी अच्छे फॉरेन कंट्रीज में जाओ पैसा लेकर के, भारत से कमाओ पैसा, 8-10 लाख रुपये लिए, 50 लाख रुपये लिए, टिकट वहाँ पैसे कन्वर्ट कराए, पहुँच गए महाराज विदेश में, तो कब तक रहोगे आप? पैसा है जब तक, जैसे ही पैसे खत्म हुए जिस होटल में रुका धक्के मार के बाहर निकाल देंगे आपको, चलो जाओ ये आपके पास कुछ नहीं है। उसी प्रकार स्वर्ग है, संसार का सार जो आपने पुण्य अर्जित किए हैं, इसलिए कई लोग बड़ी मूर्खता करते हैं, कुछ कर्म भी करेंगे अच्छे हमें स्वर्ग मिलेगा, वो होटल जैसी सुविधाओं को देखने के लिए आप स्वर्ग मांगते हैं। इससे अच्छा है कि आप कुछ अच्छे कर्म करें, प्रभु की प्रसन्नता होनी चाहिए, मुझे तो प्रभु के चरण चाहिए, अपने चरणों का दास बनाकर प्रभु रखें, ऐसा भाव रखोगे तो भगवान अपना कोई ना कोई अनुचर बना लेंगे, और यही बनना बड़ा कठिन है महाराज।